121 जिंदगियों को खत्म कर अंडरग्राउंड हो गए भोले बाबा ने आखिरकार मीडिया के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। हालांकि उसके इस ढोंग से पीड़ितों के जख्मों पर मरहम तो लगने से रहा, बाकी उसकी भी गिरफ्तारी की मांग लगातार उठ रही है। अब तक सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की कई कहानियां आपने सुन ली होंगी, जिसमें बताया जा रहा है कि वो यौन शोषण जैसे आरोपों में भी घिरा हुआ है। बाबा ने टीवी पर आकर क्या कहा ये तो आपको आगे बताएंगे और सुनवाएंगे भी, लेकिन उससे पहले यूपी की सियासत का पारा हाई करने वाले बाबा की अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें भी देख लीजिए। तस्वीरों के साथ अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्राह्मण में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हालांकि एनएमएफ न्यूज ऐसे किसी ट्वीट की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया पर कुछ भी कभी भी वायरल हो सकता है। लेकिन हाँ, बीजेपी को मौका मिल गया है अखिलेश यादव के नाम से इस ट्वीट को देखने के बाद। भोले बाबा को लेकर कहा जाता है कि अखिलेश भी उसके सत्संग में अक्सर जाया करते थे। ये सारी चर्चाएं चल रही थी कि अब सोशल मीडिया यूजर्स ने बाबा का कांग्रेस कनेक्शन भी ढूंढ निकाला। दरअसल हाल ही में पुलिस ने इस हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया। देव प्रकाश वही आदमी था जिसने ये बड़ा आयोजन कराया था। इसी शख्स ने SDM से कार्यक्रम की परमिशन भी ली थी। इस मुख्य आरोपी पर ही पुलिस ने 1,00,000 का इनाम भी घोषित किया था। 121 मौतों का जिम्मेदार माना जा रहा देव प्रकाश जब पुलिस की गिरफ्त में आया तो कई खुलासे हुए। एटा का रहने वाला देव प्रकाश मनरेगा में नौकरी किया करता था। अब सोशल मीडिया पर लोगों ने मनरेगा के बहाने देव प्रकाश का सीधा कनेक्शन कांग्रेस से जोड़ दिया। दरअसल देव प्रकाश सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का राइट हैंड बताया गया है और यही शख्स उसी मनरेगा योजना के तहत काम करता था जिसे मनमोहन सरकार ने साल 2006 में शुरू किया था। मनरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाला कब भोले बाबा के साथ जुड़कर इस मकर जाल में फंस गया उसे खुद नहीं पता चला। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस कनेक्शन को निकाला। सोशल मीडिया पर लोगों ने कांग्रेस का, देव प्रकाश का और सूरजपाल और भोले बाबा का कनेक्शन निकाला और फिर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि आखिर योजना के तहत रोजगार देने का पैमाना ढंग से तय क्यों नहीं किया गया। बहरहाल देव प्रकाश अब पुलिस गिरफ्त में क्या क्या खुलासे करता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है भी या नहीं, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर मनरेगा, देव प्रकाश और कांग्रेस को जोड़कर इसी तरीके से कनेक्शन निकाला जा रहा है। फिलहाल पहली बार कैमरे पर आए बाबा ने चुप्पी तोड़ते हुए और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बसंगत को इस दुख की घड़ी में घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर APP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सदमति और सदबुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय।